नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल आरके डॉग पर। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। जर्मन शेपर्ड डॉग भारत में सबसे अधिक पसंद की जाने वाली तथा पाले जाने वाली नस्लों में से एक है, जो कि लैब्राडोर के बाद दूसरे सबसे चहेते डॉग के स्थान पर आते हैं और ये दुनिया के बेहतरीन डॉग्स की श्रेणी में भी शामिल है। जर्मन शेफर्ड एक उत्कृष्ट गार्ड व फैमिली डॉग के रूप में पूरे विश्व में जाने जाते हैं, जिसका कारण इनकी विशिष्ट प्रकार की विशेषताएं और खूबियां हैं जो कि इन्हें अन्य डॉग की नस्लों से अलग स्थापित करती हैं। जर्मन शेफर्ड एक बड़े आकार के डॉग है जिनको अधिकतर लोग एक गार्ड डॉग के रूप में घर और संपत्ति सुरक्षा करने के लिए पालना पसंद करते हैं, लेकिन यह इसके अलावा एक बहुत अच्छे फैमिली डॉग भी होते हैं। जर्मन शेफर्ड डॉग बेहद प्यारे, समझदार और बुद्धिमान होते हैं तथा ये पूर्ण रूप से अपने मालिक व परिवार के प्रति समर्पित और वफादार होते हैं एवं उनके लिए प्रेम और सुरक्षा का भाव रखते हैं। जैसा कि हमने बताया कि जर्मन शेफर्ड एक गार्ड डॉग के रूप में जाने जाते, जिसके कारण इसका स्वभाव थोड़ा उग्र एवं रक्षात्मक होता है, खासकर अजनबियों और बाहरी लोगों के सामने, या फिर यह उस समय थोड़े उग्र हो सकते हैं जब कोई इन्हें अत्यधिक परेशान करे। और यदि एक जर्मन शेफर्ड डॉग की अच्छे से ट्रेनिंग और समाजीकरण न किया जाए, ये बेहद गुस्सेल और आक्रामक तथा नियंत्रण के बाहर हो सकते हैं। जर्मन शेफर्ड डॉग आकार में बड़े और बेहद फुर्तीले होते हैं, यथा एक वयस्क नर जर्मन शेफर्ड डॉग का वजन 30 से 40 किलोग्राम और हाइट 60 से 65 सेंटीमीटर एवं मादा का वजन 25 से 35 किलोग्राम और हाइट 55 से 60 सेंटीमीटर तक होता है एवं जर्मन शेफर्ड का जीवन काल औसतन 10 से 13 वर्ष का होता है तथा यह 48 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। जर्मन शेफर्ड डॉग का सिर मध्यम आकार का होता है एवं थूथन चौकोर आकार में तथा जबड़े बेहद मजबूत होते हैं। नाक का रंग काला और आंखें मध्यम आकार में भूरी रंग की होती हैं और जर्मन शेफर्ड के कान लंबे त्रिकोण आकार में ऊपर की तरफ खड़े हुए होते हैं एवं गर्दन लंबी मोटी और घने बालों वाली होती है। जर्मन शेफर्ड के बाल मुख्यतः सिंगल, डबल और लॉन्ग हेयर कॉट में मौजूद होते हैं एवं बाल घने, लंबे और चमकदार होते हैं, जो कि सामान्यतः ब्लैक एंड टेन, रेड एंड ब्लैक तथा संपूर्ण ब्लैक कलर में देखने को मिलता है तथा जर्मन शेफर्ड की पूंछ लंबी, घनी और नीचे की ओर झुकी होती है। वैसे तो जर्मन शेफर्ड एक स्वस्थ डॉग है जो बहुत अच्छे धावक और बेहद आक्रामक होते हैं, यही कारण है कि इन्हें पुलिस और मिलिट्री विभागों में पुलिस डॉग अथवा मिलिट्री डॉग के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ऑर्थोपेडिक फाउंडेशन फॉर एनिमल्स द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार 19% जर्मन शेफर्ड डॉग हिप डिस्प्लासिया से प्रभावित होते हैं, जो कि इनमें होने वाली सामान्य समस्याओं में एक है, जिसका कारण जर्मन शेफर्ड डॉग को दिया जाने वाला भोजन हो सकता है जिसमें पोषक तत्वों की मात्रा कम हो, या फिर डॉग खरीदते समय एक अस्वस्थ डॉग का चयन हो सकता है। इसके अलावा जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जो जर्मन शेफर्ड में देखने को मिलती है वो है वॉन विलेब्रान रोग। यह एक रक्त में होने वाला रोग है जिसे VWD भी कहा जाता है, जिसमें खून में थक्के बनने की प्रक्रिया प्रभावित हो जाती है। ये समस्या अधिकांश जर्मन शेफर्ड डॉग्स को जन्म से ही होती है। कैनाइन हिप डिस्प्लेशिया CHD ये कूल्हे के जोड़ तथा उसके आसपास टिश्यू उत्तकों को प्रभावित करने वाली समस्या है, जिसके कारण जर्मन शेफर्ड डॉग को जोड़ों में दर्द तथा कमर के आसपास सूजन यथा लगड़ेपन जैसी समस्या पैदा हो सकती है। जर्मन शेफर्ड डॉग की क्या खासियत है? जर्मन शेफर्ड डॉग बेहद बुद्धिमान, ताकतवर और फुर्तीले होते हैं। वैसे तो यह एक गार्ड डॉग के रूप में पूरे विश्व में जाने जाते, लेकिन यह इसके साथ ही साथ एक बहुत अच्छे फैमिली डॉग भी होते हैं तथा ये सबसे मोस्ट इंटेलिजेंट डॉग्स की लिस्ट में 3rd नंबर पर शामिल है। जर्मन शेफर्ड डॉग अपनी वफादारी के लिए भी बहुत मशहूर है और अपने मालिक को किसी भी प्रकार की मुसीबत में देखकर बहुत जल्दी रक्षात्मक अपना स्वभाव दिखाने लगते हैं। इसके अलावा ये सीखने के मामले में बहुत अच्छे स्टूडेंट होते हैं और नई चीजों को बहुत आसानी के साथ सीख सकते हैं, जिसके वजह से इन्हें किसी भी प्रकार की ट्रेनिंग देना बहुत सरल हो जाता है। जर्मन शेफर्ड एक गॉड डॉग श्रेणी के डॉग हैं जिनकी सूंघने और चीजों को समझने की क्षमता अन्य कुत्तों की तुलना में काफी अधिक होती है, इन्हें एक सामान्य कुत्तों से अलग दर्जा देता है।
जर्मन शेपर्ड की शारीरिक संरचना दूसरे कुत्तों से काफी अलग होती है, जिसके कारण ये जाने जाते हैं एवं दुनिया भर में बेहद लोकप्रिय भी हैं, तथा इनकी यह शारीरिक संरचना इन्हें एक बेहतरीन धावक बनती है, तथा एक व्यस्क सेहतमंद जर्मन शेपर्ड 48 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। जर्मन शेपर्ड के बाल इसकी शारीरिक संरचना। जर्मन शेपर्ड के बाल इसकी शारीरिक संरचना व इसका आकार इसे एक सुंदर कुत्ते के रूप में प्रस्तुत करता है और भीड़ से अलग करता है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से जर्मन शेपर्ड एक उत्तम डॉग के रूप में जाने जाते हैं। यह अजनबियों से बिल्कुल भी मिलनसार नहीं होते हैं। किसी बाहरी या अनजान व्यक्ति को आपके आज्ञा के बिना आपके या आपके संपत्ति के पास जाने नहीं देते हैं। जर्मन शेपर्ड डॉग की लोगों में बहुत अधिक लोकप्रियता होने के कारण इसकी मांग भी डॉग मार्केट में बहुत ज्यादा अधिक है, जिसका उपयोग कुछ ब्रीडर अपने फायदे के लिए करते हैं तथा गलत तरीके से ब्रीडिंग कर अशुद्ध और मिक्स जर्मन शेपर्ड डॉग बेचते हैं। ऐसे में जो लोग जर्मन शेपर्ड पालना चाहते हैं, उनके मन में ये दुविधा रहती है कि एक शुद्ध जर्मन शेपर्ड कुत्ते की पहचान कैसे करें। तो इसके लिए कुछ मापदंड संकेत होते हैं, जिनकी मदद से आप एक शुद्ध जर्मन शेपर्ड डॉग की पहचान कर सकते हैं। एक, दोस्तों, एक प्योर जर्मन शेपर्ड डॉग की पहचान आप उनके कानों से भी कर सकते हैं। इनके कान सिर के ऊपरी भाग में मौजूद होते हैं तथा दोनों कानों के बीच की दूरी अन्य डॉग्स की अपेक्षा कम होती है एवं 2 से 3 महीने बाद इनके कान ऊपर की ओर खड़े हो जाते हैं। 2, जर्मन शेपर्ड डॉग की शुद्धता की पुष्टि उसके पंजों द्वारा भी की जा सकती। एक शुद्ध जर्मन शेपर्ड डॉग के पैरों के पंजे मोटे, चौड़े और फैले हुए होते हैं। 3, एक ओरिजिनल जर्मन शेपर्ड के पिछले पैर मुड़े हुए होते हैं, जैसा कि नीचे फोटो में दर्शाया गया है, तथा अगले वाले पैर की अपेक्षा छोटे होते हैं। तो और जब ये खड़े होते हैं, शरीर का पिछला हिस्सा थोड़ा सा झुका हुआ रहता है। यदि आप एक जर्मन शेपर्ड डॉग खरीदते हैं तो उसके पैरों की जांच जरूर कीजिए। यदि जर्मन शेपर्ड की पूंछ उसके शरीर से ऊपर की ओर है और अगर यह रीन के आकार में मुड़ी हुई है तो वह उसके अशुद्ध होने के संकेत है। एक शुद्ध जर्मन शेपर्ड डॉग के पूंछ का आकार में हमेशा मोटी, घनी और सीधी होती है, यथा यह नीचे की ओर होती है। एक और तरीका है जिसके माध्यम से आप जर्मन शेपर्ड डॉग की प्यूरिटी की जांच कर सकते हैं, वह है उनके सिर की बनावट। एक शुद्ध जर्मन शेपर्ड का सिर चौड़ा और फैला हुआ एवं थूथन लंबी होती है, जिसे सामने से देखने पर उनके दोनों कान त्रिकोण आकार में खड़े हुए तथा पूरा चेहरा दिखता है। दोस्तों, जर्मन शेपर्ड डॉग बहुत ज्यादा फुर्तीले, तेज और चंचल होते हैं, जिसका कारण इनका एनर्जी लेवल होता है जो कि काफी ज्यादा होता है, जिसके वजह से आपको इन्हें कंट्रोल करने में कभी कभी थोड़ी दिक्कत हो सकती है। जिसका मतलब ये है, इनका फुर्तीला होना और इनका शरीर का एनर्जी लेवल भी जर्मन शेपर्ड की शुद्धता का प्रतीक है। जर्मन शेपर्ड एक मध्यम लार्ज डॉग ब्रीड है, जिसे एक छोटे आकार के डॉग की अपेक्षा अधिक मात्रा एक पौष्टिक भोजन की आवश्यकता होती है, तथा एक बढ़ते हुए जर्मन शेपर्ड डॉग के लिए तो ये बेहद जरूरी है कि उसे पर्याप्त मात्रा में सही समय पर भोजन प्राप्त हो। एक जर्मन शेपर्ड डॉग को ऐसा भोजन दे जिसमें की ओमेगा 3, ओमेगा 6, आयरन और कैल्शियम की अत्यधिक मात्रा मौजूद हो। ये सभी तत्व हड्डियों तथा मांसपेशियों को सुरक्षा प्रदान करती हैं एवं मजबूत बनाती हैं। तथा ऐसा भोजन भी दे जिसमें पर्याप्त मात्रा में फाइबर उपस्थित हो। फाइबर भोजन को आसानी से पचाने में सहायक होता है। इसके अतिरिक्त घर में ही आप जर्मन शेपर्ड डॉग को उबले अंडे, ओट्स बिना शुगर के, दूध और उबला हुआ मांस भी दे सकते हैं, तथा इसके साथ आप छेना भी दे सकते हैं। जर्मन शेपर्ड डॉग की खोज सन 1899 में मैक्स एमिल फ्रेडरिच वॉन स्टेफानिट्स के द्वारा जर्मनी में की गई थी। वॉन स्टेफानिट्स एक ऐसे डॉग की खोज में थे जो स्वस्थ है और शारीरिक रूप से मजबूत और एक वर्किंग डॉग हो जो कि दिखने में वुल्फ यानी कि भेड़िया जैसा हो। इसी दौरान वॉन स्टेफानिट्स को एक डॉग शो में हेक्टर लिंक्सशाइन नामक एक डॉग दिखा, जो कि उनके खोज के आवश्यकता अनुसार ही उस डॉग की शारीरिक संरचना और खासियतें थी। इसके बाद वॉन स्टेफानिट्स ने हेक्टर लिंक्सशाइन डॉग को उसके मालिक से खरीद लिया तथा खरीदने के बाद इसका नाम बदलकर होरन वॉन ग्राफरथ रख दिया। इसके बाद वॉन स्टेफानिट्स ने सोसाइटी फॉर जर्मन शेपर्ड डॉग्स की स्थापना की और होरन वॉन ग्राफरथ को पहला जर्मन शेपर्ड डॉग के रूप में पंजीकृत किया गया, जो कुछ ही सालों में दुनिया भर में बहुत लोकप्रिय हो गई और ये लोकप्रियता आज तक है।
जर्मन शेपर्ड के बच्चे कितने महीने में होते हैं? आंसर: एक मादा जर्मन शेपर्ड का गर्भकाल 9 सप्ताह का यानी कि 63 दिनों का होता है एवं इसके बाद वह पिल्लों को जन्म देती है। जर्मन शेपर्ड की कितनी नस्ल होती है? आंसर: जर्मन शेपर्ड भेड़िए के समान दिखने वाली एक नस्ल है जिसे अल्सेटियन के नाम से भी जाना जाता है तथा अभी इसकी एक ही नस्ल के बारे ज्ञात है। जर्मन शेपर्ड का जन्म कैसे हुआ? आंसर: जर्मन शेपर्ड का जन्म जर्मनी में सन 1899 में हुआ था जहां इसका इस्तेमाल मवेशियों की देखभाल और सुरक्षा के लिए किया जाता था। जर्मन शेपर्ड डॉग की उम्र कितनी होती है? एक स्वस्थ जर्मन शेपर्ड डॉग की उम्र 10-13 वर्ष तक की होती है। दोस्तों, अगर आप ऐसे ही और वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।